कि हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो मीनिंग वाटर, स्टैटिक मीनिंग रेस्ट, यानी वाटर एट रेस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आते हैं फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड जो होता है ये सबस्टांस विच कैन फ्लो, एक ऐसा सबस्टांस जो फ्लो कर सकता है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मीनिंग क्या है, एक ऐसा सबस्टांस जो फ्लो कर सकता है कब, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो ऐसे सबस्टांस को हम बोलते हैं फ्लूइड। तो एग्जांपल अगर करें हम इसके, जितने भी लिक्विड हमारे होते हैं और जो गैस, गैसेज जो हमारी है, गैस जो हम कंसीडर करते हैं, सब के सब क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। तो मीनिंग क्या, लिक्विड और गैसेज जो है उनको हम इंक्लूड करते हैं किस में, फ्लूइड्स में। जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, जब किसी भी फ्लूइड को किसी कंटेनर के अंदर हम डालते हैं, तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिस नॉर्मल फोर्स को हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट व्हाट इज थ्रस्ट। तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाई ये लिक्विड, लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैसेज भी हो सकती है, या सब्सटेंस कह सकते हैं कोई, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। तो जहां पर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा उस नॉर्मल फोर्स को हम बोलते हैं क्या, लिक्विड की जगह कुछ और भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है हम लिक्विड लिखेंगे, गैसेज भी हो सकता है यहां पर। तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाई ए फ्लूइड ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, तो नॉर्मली जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो यूनिट जो आएगी थ्रस्ट की, जो फोर्स की यूनिट होती है वही यूनिट किसकी आएगी, एसआई यूनिट की बात करें अगर हम, तो करें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा थ्रस्ट के बाद। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर की बात कर लेते हैं अब। प्रेशर भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर। ऑफ ए सरफेस इज नोन एज प्रेशर, यानी कि प्रेशर की जो डेफिनेशन बनी है, थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, या नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि थ्रस्ट एक नॉर्मल फोर्स होता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये भी हमारी प्रेशर की डेफिनेशन हो गई है। तो यूनिट की बात करें अगर, एसआई यूनिट की बात करें हम, तो एसआई यूनिट क्या आएगी, थ्रस्ट की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम राइट कर देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम पास्कल बोलते हैं, पास्कल, ब्लेस पास्कल के नाम पर ये यूनिट पड़ी है। तो पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल होगा, और पास्कल को हम पी ए से लिख सकते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए पास्कल।
तो पास्कल अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं प्रेशर के लिए। तो फोर्स के लिए होता है एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, और एरिया डिवाइड में तो एरिया के लिए एल की पावर टू। तो यहाँ से हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर के लिए। प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्रेशर। एक कुछ एप्लीकेशन जो है प्रेशर की गिवन है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रेशर की एप्लीकेशन, नाइन्थ क्लास में आपने प्रेशर की एप्लीकेशन की थी। जैसे कुछ एप्लीकेशन मैं राइट करता हूँ, यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स आर लेड बाई या लेड ऑन लार्ज साइज्ड वुडन स्लीपर्स। देखो वुड के भी हो सकते हैं, ये आयरन के भी हो सकते हैं और सीमेंट के भी हो सकते हैं। तो रेलवे ट्रैक जो है वो वुडन के स्लीपर्स के ऊपर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? देखो ऐसे हमारे पास जो है ये रेलवे ट्रैक है, और क्रॉसिंग में ऐसे हमारे नीचे, इसके ट्रैक के बिल्कुल नीचे ऐसे क्रॉसिंग में हमारे जो है वुडन या आयरन स्लीपर लगे होते हैं। तो ये लगाने का क्या फ़ायदा है? देखो अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन करें, प्रेशर जो होता है थ्रस्ट डिवाइड, तो यहाँ पर जैसे ही हम ये लगाएंगे, स्लीपर लगाएंगे, तो एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। यानी कि जब ट्रेन ट्रैक के ऊपर से मूव करेगी तो उसकी वेट की वजह से जो लाइन है रेल की, वो नीचे बिल्ड नहीं होगी। देखो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है, पिन एंड नेल्स आर मेड पॉइंटेड एंड्स। इनका एंड जो है ये पॉइंटेड बनाया जाता है। पॉइंटेड एंड का मीनिंग क्या है? प्रेशर की अगर हम फॉर्मूला करें, फोर्स डिवाइड बाई एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो ये एरिया जो है ये स्मॉल रखा जाता है, बिल्कुल पॉइंटेड एरिया रखा जाता है, ताकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगे। मान लो किसी भी वुडन ब्लॉक के अंदर हमें अगर वुडन ब्लॉक के अंदर हमें इसको पायर्स करना है, तो कम फोर्स लगा करके ये इजीली जो है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। यानी कि एरिया को कम किया जाता है ताकि प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आपने जो है नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी, जो कि हम अब डिस्कस नहीं करेंगे उनको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेंसिटी का। डेंसिटी भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। डेंसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है उसके मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो होता है ये। तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी हमें निकालनी है तो उसके मास को उसके वॉल्यूम से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो इसकी जो यूनिट आती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो आएगी, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर क्यूब। और डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा, डायमेंशनल फार्मूला एम की पावर वन, एल की पावर माइनस थ्री और टी की पावर जीरो, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद डेंसिटी के बाद एक और टर्म हमारे पास है नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? रिलेटिव। रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट भी आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हो। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ये भी रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर का, जो रेशियो आता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की जो डेंसिटी लेते हैं हम
एट 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यूनिट यूनिट नहीं होती, ना ही कोई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये एक सिर्फ नंबर होता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम कर सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो मीनिंग ये हमें क्या बताता है, टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन सबस्टांस इज हैवियर देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मीनिंग क्या है, कोई गिवन सबस्टांस जो है वो कितना हैवी है, इक्वल वॉल्यूम वाटर के इक्वल वॉल्यूम से कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये मीनिंग हमें ये बताता है कि कोई सबस्टांस वाटर के उतने ही वॉल्यूम से कितना हैवी होता है। तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। जैसे हम कोई भी लिक्विड कंसीडर करते हैं, अगर तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं, अभी हम किसी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड लेते हैं, मान लो ये हमने कंटेनर के अंदर क्या लिया हुआ, कोई लिक्विड लिया है, और लिक्विड की डेंसिटी हम सपोज कर लेते हैं, डेंसिटी हम इसकी मान लेते हैं रो डेंसिटी है लिक्विड की। ये मान लिया हमने कोई भी लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ, हमने क्या कंसीडर करते हैं, डेंसिटी जो है लिक्विड की, डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लो डेंसिटी जो लिक्विड की है वो रो है, रो इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, और इसके अंदर लिक्विड का ही एक सिलेंड्रिकल कॉलम हम कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास मान लो लिक्विड का एक कॉलम हम सिलेंड्रिकल कंसीडर करते हैं, जिसका एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का एरिया हम मान लेते हैं ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए कंसीडर कर लेते हैं, लिक्विड का ही कॉलम हमने कंसीडर किया है, ये कोई सिलेंड्रिकल कॉलम, और इसकी जो हाइट है, हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी, एच इसकी हाइट है। अब देखो लिक्विड इस जो हमने कंसीडर किया हुआ है, ये कॉलम जो कंसीडर किया है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं, जो लिक्विड इसके ऊपर है वो ऊपर वाले सरफेस से फोर्स लगाएगा, यहाँ से जो फोर्स लगेगा एफ वन मान लेते हैं इसको, एफ वन फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगा है, दूसरा जो फोर्स है नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस सरफेस पर फोर्स लगेगा एफ टू, ठीक है। और एक जो है इसका वेट, इसका जो वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ डब्ल्यू, ठीक है। तो तीन डिफरेंट फोर्स लगे हुए हैं इस कॉलम के ऊपर, तो पहला फोर्स जो है वो क्या लगा हुआ है, एफ वन, डिफरेंट फोर्स कौन कौन से लगे हैं, एफ वन फोर्स लगा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये किधर लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये किसके इक्वल आएगा, मान लो अगर मैं ये कंसीडर करूँ इस सरफेस पर प्रेशर जो है पी वन है, तो ये पी वन इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। नीचे की तरफ ये जो है फोर्स लगा हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स जो है F2 लगा है, अगर यहाँ पर मैं प्रेशर कंसीडर करता हूँ P2,
तो ये आएगा पी टू इंटू ए, ये वर्टिकल अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड लगा हुआ है ये। और तीसरा जो है वेट, अगर मैं कंसीडर करता हूँ इसका मास m है, लिक्विड कॉलम का मास m है और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मीनिंग क्या है, हमारे पास ये तीन डिफरेंट फोर्स लगे हुए हैं और मास हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास के लिए सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा। अब वॉल्यूम कितना आएगा, ये जो कॉलम है इसका जो वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो वेट की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से, मास की वैल्यू हमारे पास ए एच इंटू ए एच रो आ गई है और जी से इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वेट आ जाएगा। यानी कि चार तीन फोर्स हमारे पास है, एफ वन फोर्स, एफ टू फोर्स और वेट। एट इक्विलिब्रियम अगर हम ये कंसीडर करें, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो ये सिलेंड्रिकल कॉलम जो लिक्विड का ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम के अंदर जो नेट फोर्स जो लगेगा वो जीरो लगेगा, मीनिंग एफ वन प्लस एफ टू और एक वेट जो लगा हुआ है। अब देखो दो फोर्स हमारे F1 और F2, F1 फोर्स नीचे की तरफ है, F2 फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया है और वेट हमारा नीचे की तरफ लगा हुआ है तो W, तो इनका जो सम आएगा वो कितना लगेगा, आएगा जीरो आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, F1 माइनस F2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस W, वेट उधर चला जाएगा, या अगर इसका माइनस हटाना है तो इसको हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1 दिस इज इक्वल टू W। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, P1 P2 इंटू A, F1 आएगा P1 इंटू A और वेट का जो फॉर्मूला था वो था A H रो इंटू G, यहाँ से हम पुट कर देंगे तो A दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है हमारा, A को कैंसिल कर देंगे तो P2 माइनस P1 की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू एच रो इंटू जी। तो मीनिंग ये प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में लिक्विड के अंदर। हमने दो पॉइंट कौन कौन से कंसीडर किए थे, एक तो हमने टॉप सरफेस लिया है और एक इसका बॉटम सरफेस लिया है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो एच रो इंटू जी आएगा। अब किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डेप्थ एच क्या है, हाइट ऑफ कॉलम, हाइट का मीनिंग ऊपर वाले सरफेस से नीचे वाले सरफेस की डेप्थ है, ये एच पर डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा और एक्सीलरेशन जो टू ग्रेविटी पर जो है ये प्रेशर डिफरेंस जो है डिपेंड करता है। अब यहीं से एक और डेफिनेशन हम करेंगे गेज प्रेशर की, और ये जो प्रेशर है ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे, जितने भी पॉइंट यहाँ पर एक ही प्लेन के अंदर हम कंसीडर करेंगे, हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो है इक्वल आएगा और वो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और टर्म हमारे पास आते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जो होता है या प्रेशर गेज भी बोल देते हैं इसको हम, मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन करें, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज द डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। मीनिंग क्या, मान लो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ये जो ऊपर वाला मेरा सरफेस है वो लिक्विड के बिल्कुल बाहर है, यानी कि इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है ऊपर वाले सरफेस पर,
और एक पॉइंट मेरा लिक्विड के अंदर यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर का जो इन्वॉल्व बना हुआ गैसेज जो है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है एक्सटेंडेड है या लार्ज डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिस प्रेशर को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि मैंने P1 की जगह क्या पुट कर दिया है, PA पुट कर दिया है, और दूसरा पॉइंट मेरा इनसाइड है, यहाँ पर जो प्रेशर जो लिक्विड नीचे था वो एक्सर्ट करता है, तो P2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू P। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जो आएगा अब कितना आ जाएगा, P2 की जगह P पुट कर देंगे हम और P1 की जगह PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा H rho into G। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया है, किसी पॉइंट पर जो लिक्विड ने प्रेशर एक्सर्ट किया है माइनस जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं गेज प्रेशर, और गेज प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया H rho into G। तो दिस इज गेज प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अगर हम ये कंसीडर करते हैं, तीन डिफरेंट शेप के जो कंटेनर हमने लिए हुए हैं, इनमें हम लिक्विड सेम हाइट तक, हाइट क्या रखनी है लिक्विड की, सेम हाइट तक लिक्विड फिल करते हैं, एच हाइट तक, इसमें भी हमने एच हाइट तक किया हुआ है और इसमें भी एच हाइट तक सेम लिक्विड, सेम डेंसिटी का लिक्विड हमने क्या किया हुआ, फिल किया हुआ है। तो अगर किसी पॉइंट पर बॉटम पर हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें, बॉटम पर हम प्रेशर निकाल लें, तो प्रेशर जो होगा वो सिर्फ डेप्थ पर डिपेंड करता है, ना कि इनकी शेप पर। यानी कि अगर लिक्विड हमने सेम हाइट तक फिल किया हुआ है, चाहे शेप कुछ भी हो, तो प्रेशर जो लगेगा बॉटम पर, जो प्रेशर लगेगा वो हाइट पर डिपेंड करेगा, यानी कि डेप्थ पर डिपेंड करेगा, ना कि कंटेनर की शेप पर। तो प्रेशर हर एक केस में क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल आएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पैराडॉक्स की, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ the shape of containing vessel, meaning जो ये containing container हमने use किया, इनकी shape पर depend नहीं करेगा, बल्कि किस पर depend करेगा, liquid की height पर depend करेगा। इसको बोलते हैं हम hydrostatic paradox। तो dear students, हमारे next जो topic आते हैं, एक तो आता है हमारे पास Pascal's law, और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये दोनों टॉपिक आप 9th क्लास में कर चुके हो, तो इनको आप लर्न करेंगे, पास्कल लॉ को और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। थैंक यू वेरी मच।